हे गाइस, वेलकम टू ललिता गोयरीज व्लॉग। आज हम बनाने वाले हैं चिकन ग्रेवी। आप देख सकते हैं इसका ग्रेवी देखने में कैसा लग रहा है। इसका कलर देखिए आप। इसमें कोई पैकेट मसाला का यूज़ नहीं किया है हमने, जो घर में है वो उसी से बनाया है। आप देख सकते हैं इसका ग्रेवी, और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी बना के खाएं घर में। आज हम यही रेसिपी शेयर करने वाले हैं आप लोग के साथ, चिकन ग्रेवी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं चिकन ग्रेवी। इसके लिए हमने लिया है ऑनियन, गार्लिक, अदरक है, दालचीनी है, टोमेटो है, लाल मिर्च है। तो हमने मसाला सबको है पेस्ट बना लिया है, टोमेटो को भी पेस्ट बना लिया। अभी हमने लिया है एक कढ़ाई, थोड़ा दिया है इसमें जीरा, और अभी हम इसमें देंगे चिकन। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक ये अच्छी तरह से थोड़ा पक ना जाए। हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अभी हमने दे दिया है मसाला जो पेस्ट बना के रखा था, ऑनियन, गार्लिक और चिल्ली का। तो हमने वो मसाला दे दिया तेल में। अभी हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें देंगे थोड़ा हल्दी। अभी हमने दिया है इसमें स्वाद अनुसार नमक, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हम दे देंगे टोमेटो, उसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे पानी दे देंगे। पानी अपने हिसाब से दें आपको कितना ग्रेवी चाहिए। अभी हम इसको 10 या 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अभी हमने इसको ढक दिया है। अब देखिए इसका पानी जो है थोड़ा सूख चुका है, अच्छी तरह से उबल रहा है अभी हमारा चिकन। हमारा जो सब्जी का पानी है वो थोड़ा सूख चुका है। अभी हमने दे दिया है इसमें क्रीम। क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमारा जो सब्जी है वो अच्छी तरह से पक चुका है। हमारा सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है। आइए अभी हम लोग प्लेटिंग कर लेते हैं। एक प्लेट में हमने चिकन करी सर्व कर दिया है, चिकन ग्रेवी। आप देख सकते हैं इसका कलर और इसका ग्रेवी देखने में कैसा लग रहा है। और ये खाने में भी टेस्टी है। घर में जो सामान है आप उसी से बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना तक ही। बाय बाय।